हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी से कुरकुरे क्रंची से फ्रेंच फ्राइज। और इसे हम आलू से नहीं बनाने वाले हैं। जी हाँ, इसे हम आलू से नहीं बल्कि सूजी से बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शुरू करते हैं ये टेस्टी क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी डाल लिया है। मैंने कढ़ाई में एक कप और एक चौथाई कप यानी कि 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसे गर्म करेंगे। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। इसे हम एक बार चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में पानी जो है वो गर्म हो चुकी है। तो हम इसमें एक कप सूजी डालेंगे। तो फ्लेम को हम यहाँ पर लो पे रखेंगे। सूजी को हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है। तो ये आप देख सकते हैं सूजी पानी जो है एब्जॉर्ब करने लग जाती है और धीरे धीरे ये डो की तरह बन जाएगा। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। सूजी के फ्रेंच फ्राइज बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे एक बार जब बनाएंगे तो इसे आप ज़रूर बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और आप इसे इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल डो की तरह बनने लगा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक कर के 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और इसे हम गूँथ लेते हैं। तो इसे हमने पूरा ठंडा नहीं किया है, इसे हल्का सा हमने गर्म ही रखा है। इसे हमें चिकना होने तक अच्छी तरह से गूंथना है। तो इस तरह से हम इसे मसलते हुए गूंथेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा डो जो है बहुत ही चिकना हो चुका है, डो बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है। तो अब हम इसके 2 पोर्शन कर लेते हैं और ये हमने बड़ी सी 2 लोई बना ली है। तो इसे हमें बेल लेना है। तो बेलने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं। आप चाहे तो बेलन में भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हमें बेलना है। तो जैसे हम रोटी बेलते उसी तरह से हम इसे बेलेंगे, लेकिन रोटी की तरह हम इसे पतला नहीं बेलना है, इसे हमें रोटी से मोटा ही रखना है। तो थोड़ा सा मोटा ही इसे रखेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे पलटते हुए हम बेल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसे हमने बेल लिया है। तो अब चारों साइड से हम इसका साइड जो है वो काट लेंगे, जिससे कि हमें फ्रेंच फ्राइज़ का जो अच्छा सा शेप हमें देना है वो हम दे सकें। तो ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से हमने इसे काट लिया है। तो अब हम इसे लंबे शेप में काटेंगे। तो ये लंबा लंबा हम इसे काट लेंगे। इसी तरह से हम इसे पूरी तरह से लंबे शेप में काट लेते हैं। तो ये अब हम इसे बीच से काट लेते हैं क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसे हम बीच से काट लेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही दिखेंगे। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसे अब हम गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गरम कर लिया है और इसमें हम फ्रेंच फ्राइज़ को डाल लेते हैं। और बीच बीच में हम इसे पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्प और सुनहरे होकर के ये फ्राई हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बाकी के भी फ्रेंच फ्राइज़ अपने बना के तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा सूजी के फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही कुरकुरे से यह स्नैक्स। फ्रेंड्स,
अगर आपको सूजी की फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।